हेलो दोस्तों, आज के निफ्टी व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं पहले तो बताना चाहता हूं कि जो मेरा कल का निफ्टी व्यू था उसके अंदर मैंने बोला था कि 12,125 के आसपास रेसिस्टेंस बना हुआ है, और आज आपने देखा होगा कि मार्केट जो है 12,125 के आसपास ही पूरे दिन रेंज बाउंड रही, मतलब उसके आसपास ही घूमती रही। 12,000 से लेकर और 12,050 के आसपास मार्केट पूरे दिन 50 पॉइंट के अंदर अंदर घूमती रही, रेंज बाउंड रही। एक्चुअली मैं आप लोगों को इसका रीज़न बता देता हूँ। फॉरेन इन्वेस्टर्स इस वक्त GDP के डाटा का वेट कर रहे हैं, क्वार्टरली डाटा का, जो कि कल रिलीज़ होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उनका नेचर होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का कि जब भी कोई इम्पॉर्टेंट डाटा रिलीज़ होना होता है, जैसे कि RBI पॉलिसी रिलीज़ होनी होती है या फिर GDP का डाटा रिलीज़ होना होता है, तो वो लोग उससे पहले विदाउट एक्टिवेशन, मतलब कोई भी एक्टिवेशन उनकी नहीं रहती है मार्केट के अंदर, कोई भी पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं रहती है उनकी मार्केट के अंदर। तो आज भी उनकी कोई पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं दिखी, जिसकी वजह से जो आज मार्केट गिरना चाहिए था वो आज गिरा नहीं और ऊपर भी नहीं गया, टोटली रेंज बाउंड सिचुएशन रही। तो जो GDP का डाटा है वो कल आएगा, 29 नवंबर को क्वार्टरली डाटा आएगा, और ये GDP का डाटा जो आएगा शाम को आएगा 5 बजे। तो कल का पूरा सेशन जो है, मुझे नहीं लगता कि कल भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं कुछ ज़्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे। तो मैं कल भी 12,100 से लेकर 12,200 के बीच का ही रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मार्केट इस रेंज के आसपास ही घूमता रहेगा, और कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आ रहे अभी फ़िलहाल मार्केट में। और अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्टिव नहीं हैं तो रिटेल ट्रेडर्स तो अपना हमेशा एवरग्रीन बुलिश ही रहते हैं, तो और उनके पास जो मनी होती है, उनकी पावर ऑफ मनी ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, उनकी बस इतनी ही पावर ऑफ मनी है कि वो 40-50 पॉइंट ही ऊपर से नीचे निफ्टी को कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट काटते हैं और निकल जाते हैं। तो ये पूरा दिन आज होता रहा, और मुझे कल भी यही उम्मीद है कि मार्केट टोटल रेंज बाउंड रहेगी 12,100 से लेकर 12,200 के बीच में। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आज सुबह 9:45 के आसपास मैंने ये रेंज बाउंड सिचुएशन डाल दिया था, तो मैं डेली ऐसे ही डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वहाँ पर मेरे अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको मैं डेली पल पल की सिचुएशन बताता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। तो मेरे टेलीग्राम लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और कल का निफ्टी का मुझे कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं दिखता है, मंथ एंड एक्सपायरी हो चुकी है, और GDP का डाटा का वेट एंड वॉच करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स। अगर GDP का डाटा अच्छा होता है, जिसकी उम्मीद मुझे तो लगती है बहुत कम है, तो मार्केट ऊपर ज़रूर जाएगा, और अगर GDP का डाटा ख़राब आएगा, जैसे कि उम्मीद सबसे ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि मार्केट जो है, क्योंकि इंडिया में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अगर GDP का डाटा ख़राब आता है तो मार्केट को फिर नीचे गिरना ही होगा। तो वेट एंड वॉच करेंगे अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स, और रिटेल ट्रेडर्स का क्या है, वो ऊपर नीचे मार्केट को करते ही रहेंगे, जिगजैग करते ही रहेंगे, जो कि काफ़ी दिन से चलता आ रहा है। तो कल का जो निफ्टी व्यू रहेगा वो 12,100 से लेकर 12,200 के बीच में रेंज बाउंड सिचुएशन का रहेगा, और वॉल्यूम मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, और कल भी मुझे GDP डाटा रिलीज़ होने से पहले कोई भी वॉल्यूम नज़र नहीं आता, क्योंकि ये फॉरेन ट्रेडर्स का है हिसाब किताब। अगर वॉल्यूम रहेगा मार्केट में तो इसका मतलब फॉरेन ट्रेडर्स एक्टिव रहेंगे, बट अभी कोई एक्टिवेशन नज़र नहीं आ